वेलकम टू द विक्रम ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्विज स्टार्ट किए हैं, आज बायोलॉजी का पार्ट टू है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान। ठीक है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। सही है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? एडाफोलॉजी। सही है। शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। सही है। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन है? जीव मतलब जानवरों का। सही है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी। सही है। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। ठीक है। चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेपेटोलॉजी। सही है। सॉरी हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। ठीक है। मकड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्केनोलॉजी। ठीक है। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकलियों का। ठीक है। लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं किसका अध्ययन किया जाता है? एथनोग्राफी। सही है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। हेमाटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त का। सही है। जीवों की आकृति उसकी संरचना विशेष संरचनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है। किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलियंटोलॉजी। सही है। पैलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। ठीक है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का। ठीक है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से संबंधित है? कैंसर। ठीक है। तो देख लिए, धन्यवाद।